गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट कोलम्स फोर्स, कि कोलम फोर्स क्या होती है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा था। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एंड आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट ऑफ अवर चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड ड्यू टू चार्जेस। लेट्स स्टार्ट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डिनोटेड बाय के और रिलेटिव परमिटिविटी एप्साइल आर। अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इन एयर इज इक्वल टू क्या वन क्या टू अपॉन फोर पाई एप्साइल नॉट आर स्क्वेयर। सिंपल कोलम्स लॉ जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग किन्हीं दो चार्जेस के बीच की फोर्स when they are held in air. Now suppose that we are going to let our apparatus in any medium, किसी medium में apparatus को लेके जा रहे हैं other than air, then the force between both the charges is 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 upon r square. Here epsilon mean permittivity of that medium. Now we divide the force in air divided by force in medium, then force in air divided by force in medium is equal to 1 upon 4 pi से 1 upon 4 pi cancel हो जाएगा। क्या वन क्या टू सेम चार्जेस हैं, कैंसल, डिस्टेंस हमने चेंज नहीं किया वो भी कैंसल, इज इक्वल टू एप्साइल अपॉन एप्साइल नोट। एंड दिस रेशियो इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी मीन बेटा परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विद एयर, अगर हम उस मीडियम को एयर के साथ कंपेयर कर लें तो वो क्या बन जाती है, हमारी रिलेटिव परमिटिविटी। यहां पर हमने क्या किया है, एप्साइल नोट क्या बताया था, एप्साइल नोट, एप्साइल नोट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, दोनों की परमिटिविटी हमने एप्साइल नोट कंसिडर की थी। एंड एप्साइल इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, देन द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द एयर टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी और इज ऑल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ एनी मीडियम इज द रेशियो ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एनी मीडियम इज द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ऑल्सो फ्रॉम हेयर द फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइड बाय इट्स डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सपोज एग्जाम्पल भी हमने कंसिडर किया है कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर वॉटर इज 81। अगर हम किसी दो चार्जेस जो पहले हमारे पास एयर में थे, हमने उनको एयर में हेल्ड किया, अगर हम उस पूरे के पूरे अपरेटस को वॉटर में रख दें तो उनकी फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा, सिंपल फोर्स इन एयर डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वॉटर से डिवाइड कर देंगे। फोर्स इन एयर डिवाइड बाय इट्स डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से क्या कर देंगे, डिवाइड। फॉर द सेम एग्जाम्पल परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ऑल्सो इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। This is the most important. Epsilon for any medium is equal to epsilon r into epsilon naught. Epsilon r is the relative permittivity of medium and epsilon naught is the permittivity of medium, yani air or vacuum. Now our second topic is principle of superposition or force due to multiple charges. Multiple charges की force के बारे में हम discuss करेंगे यहाँ पर, कि क्या होता है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। लेट्स सपोज हमारे पास क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, हम उसके ऊपर थ्री चार्जेस क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री की फोर्स को मेजर करना चाहते हैं, देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज द वेक्टर सम, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ all the forces, that is F total force is equal to F1 vector plus F2 vector plus F3 vector and so on. Now according to Coulomb's law,
force on Q naught due to Q1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R1 vector ka square. R1 vector is the position vector between Q1 and Q0. Same as it is, R2 vector is the position vector between Q0 and Q2, and R3 vector is the position vector between Q0 and Q3. Then total force is equal to 1 upon 4 pi epsilon, sabhi mein common hai, bahar aa jayega. Q0 bhi sabhi mein hai, bahar aa jayega. This term Q1 by R1 ka square plus Q2 by R2 vector ka square is written as summation I1 to N. यानी सम अप करना है सभी को, ऐड करना है I 1 to N QI divided by RI vector square. This is the principle of superposition. एक बार फिर से examples के साथ consider कर लेते हैं. मान लो हमारे पास कोई 3 vector हैं, दो charges हैं जो इस charge पे force लगा रहे हैं. ये Q1 charge है, ये Q2 charge है, इसकी value 3 coulomb है, इसकी value मान लो 4 coulomb है. तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, ये हमारा टेस्ट चार्ज क्या नोट है. तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी बेटा, F वेक्टर इज इक्वल होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इनकी फोर्स क्या होगी बेटा, रिपल्सिव. एक की फोर्स इस तरफ लगेगी, दूसरे की फोर्स इस तरफ. फिर हमें इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम निकालना है, एज वी हैव स्टडीड इन क्लास प्लस 1 वेक्टर. तो वेक्टर सम निकालना है, आइदर वी कैन कंपोनेंट इट, या तो हम इसके कंपोनेंट बना लेंगे. मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा. इन दोनों का वेक्टर सम हमने करना है. टोटल फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड. वेरी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको समझते हैं क्या होती है. फील्ड मीन स्पेस, किसी भी चार्ज के अराउंड वो स्पेस. मान लो हमने यहां पर ये चार्ज रखा है, ये वाला हमारा एक चार्ज है जिसको हम सोर्स चार्ज मानते हैं, और ये वाला कोई दूसरा पॉइंट चार्ज है जो हम इसके क्लोज लेकर आ रहे हैं. हमने इस चार्ज को इसके क्लोज लेकर किसी भी पॉइंट पर इस सोर्स चार्ज की फोर्स को नोट करना है. तो ये वैल्यू क्या बताती है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि सोर्स चार्ज किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस की कौन सी स्पेस, मान लो जब ये चार्ज यहां पर था तो फोर्स नेग्लिजिबल थी, हमें पता नहीं लग रहा था कि ये सोर्स चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है या नहीं लगा रहा. लेकिन जब हम इसको क्लोज लेके आए तो हमें पता लगा कि इस पॉइंट पर इन दोनों की फोर्स है, वो थोड़ी सी एक्सपीरियंस हो रही है, हमें पता लग रहा है, वी कैन कैलकुलेट इट. तो द फोर्स एट एनी पॉइंट ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज का मीन सिंपल है बेटा, जिसकी अमाउंट हम थोड़ी ज्यादा रखते हैं, और टेस्ट चार्ज जिसकी यूनिट अमाउंट ली जाती है और एज पॉसिबल एज स्मॉल कर देते हैं हम उसको, ताकि इसकी फोर्स इसको अफेक्ट ना करे. तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज. दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. और सिंपली कैसे लिख सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू जीरो एफ अपॉन क्यू नोट. क्यू नोट टेंड्स टू जीरो मीन कि हम टेस्ट चार्ज को इतना स्मॉल कर देंगे कि वो हमारे सोर्स चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स यानी कूलम फोर्स अप्लाई तो करेगा, बट इट शुड बी नेग्लिजिबल, वो नेग्लिजिबल होगी, वो इस सोर्स चार्ज को अफेक्ट नहीं करेगी. This is the electric field. Now, SI unit of electric field is, electric field is equal to force per unit test charge. Yani Newton per coulomb is the SI unit of electric field. Newton per coulomb. Thank you.